आप सभी को राम राम। ये देखिए, ये आधा कप मूंग दाल है जिसे 2 घंटे पहले हमने धुल करके भिगा दिया था और अब पानी निकाल दिया है। इसे डाल देंगे मिक्सी के जार में, साथ ही साथ थोड़ी सी अदरक डाल देंगे और इसे हम अच्छे से पीस लेंगे। पानी वगैरह नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा रोक कर मिक्सी चलाएंगे और चम्मच से चलाते जाएंगे तो बढ़िया सा पिसा जाएगा। अब इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे और जार में जो दाल लगी हुई है उसमें थोड़ा सा पानी डालकर धुल करके उसको भी इसी में डाल देंगे। अब इसमें आधा छोटा चम्मच अजवाइन डालेंगे, आधा छोटा चम्मच ही जीरा भी इसमें डाल देंगे। थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, मंगरेला डाल देंगे थोड़ा सा, आधा कप सूजी डालेंगे, 1 कप गेहूं का आटा डाल देंगे इसमें। आटा थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि आटा कम ज़्यादा भी लग सकता है, ज़रूरत के हिसाब से आटा डालते जाएंगे लगाते समय। थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसमें थोड़ा सा खस्तापन लाने के लिए तेल डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 चम्मच तेल डाला है, नॉर्मल चम्मच जिससे खाना खाते हैं। हाथ से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए आटा तैयार करेंगे। मीडियम टाइट डो हमें लगाना है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लगाना है। आटा लग जाए तो इसके ऊपर हम जरा सा तेल लगा देंगे हाथों से और इसे ढककर 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। पाँच सात मिनट बीत गए हैं तो हम थोड़ा सा आटा उठाएंगे और इसे एक बार अच्छे से मसल लेंगे और इनकी लोइयां तैयार कर लेंगे थोड़े बड़ी साइज की। हम इनकी रोटियां बेलेंगे, अगर आप चाहें तो सूखा आटा भी लगा सकते हैं या फिर बेलन पे ही थोड़ा सा तेल लगा लें। और जिस तरह से हम रोटियां बेलते हैं सेम उसी तरह से इसे हमें बेलना है। अब हमने एक कटोरी में थोड़ा सा तेल लिया है, इसमें हम ज़रा सा मैदा डालेंगे या फिर आटा, जो भी आपकी इच्छा हो। इसे अच्छे से मिलाकर एक घोल तैयार कर देंगे। जिस तरह से हम खाजा वगैरह बनाने के लिए तैयार करते हैं वैसे ही इसे तैयार करना है। ये देखिए, ऐसे ही इसे रख देते हैं और यहाँ पर हमने देखिए रोटी को भी पील लिया है। अब हमको एक गिलास या फिर कटोरी लेंगे, उसी से इसकी छोटी छोटी टुकड़ियाँ कट कर लेंगे। जिस तरह से हम पराठे फोल्ड करते हैं उसी तरह से इन्हें फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, ऐसे ही हमें सारा बेल करके और फोल्ड करके तैयार कर लेना है। इसके बाद हम इसे बेलन से जरा सा और पतला कर लेंगे। उसी से इसमें इस तरह से होल कर देंगे सारी पूरियों में जो हमने बेल कर तैयार की हैं, ताकि तलते समय ये फूले ना।